हेलो बच्चों, तो कैसा चल रहा है फिजिक्स एग्जाम के पहले तुम लोगों का प्रिपरेशन? आई होप अच्छा चल रहा होगा। तो ऑलरेडी लास्ट 3 दिन बचा है। आज है थर्सडे, आज का दिन, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। तो इसके पहले आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर तुम सबके सामने आ गया। ये वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आईएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड ग्राफ्स है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बच्चों, तुम लोगों को पता ही है कि अपने पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए मैं वीडियो को बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इस वीडियो को सॉफ्ट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड यूज करके नहीं कराऊंगा। ओके बच्चों, तुम लोग एक काम कर दो, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, और उसके साथ साथ मैं जो भी डायग्राम्स के बारे में, जो भी ग्राफ्स के बारे में तुम लोगों को बता रहा हूं, ऑब्वियसली वो सारे डायग्राम्स एंड सारे ग्राफ्स अच्छे से तुम लोग कॉपी कर लो। मतलब जो जो चीज के बारे में, जो जो डायग्राम्स के बारे में, जो जो ग्राफ्स के बारे में मैं बताऊंगा तुम लोगों को, उसको तुम ऑब्वियसली अच्छे से कॉपी कर लो। इसके बाद बिफोर द एग्जाम ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स दो, ओके? और उस 2 घंटे में तुम इसको एकदम प्रॉपरली पेंसिल से ड्रॉ कर लो। ओके बच्चे, ये सब जो डायग्राम्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एमसीक्यूज में, डेरिवेशंस में, इवन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे जगह पर ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों। एम आई क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैंने क्या किया है, सारा जो डायग्राम्स और ग्राफ्स है इसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं इसको रीड आउट करने वाला हूं और तुम लोग इसको लिखोगे। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम का जो डायग्राम्स तुम्हें प्रैक्टिस करना है, That is, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के आसपास रखने के बाद इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को अगर आसपास या आमने सामने रखा जाए तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है ये। इसके बाद एक लॉन्ग लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सोचो एक लाइन चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइन, ओके, या पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड लाइन, ओके, तो ऐसा अगर रखा जाए तो वहां पर उस चार्ज लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ओके, उसका डायग्राम। ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट, ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट को आमने सामने रखा गया, जैसे कैपेसिटर में रखा जाता है, ओके, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है वो तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ओके, मतलब अगर एक चार्ज स्फेरिकल शेल है उसका ई वर्सेस आर ग्राफ, ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई और आर क्या है, उस स्फेरिकल शेल का सेंटर से जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर पकड़ते हैं, ओके? एक सिंगल ग्राफ में हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का जो ग्राफ होता है वो, ओके? इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका ई वर्सेस आर ग्राफ, ओके बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट डायग्राम में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में V versus I graph in case of ohmic conductor and non-ohmic conductor.
And let me tell you, non-ohmic conductor will be more important. Okay, बच्चों? आ जाएंगे next diagram, DC circuit and measurement. Wheatstone bridge का जो diagram है, okay, Wheatstone bridge का balanced condition का जो diagram है, वो बहुत ही ज्यादा important होगा बच्चों. इसके साथ साथ meter bridge का diagram और पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है, ये दो डायग्राम होगा. एक जब दो सेल का जो ईएमएफ है उसका रेशियो निकाला जाएगा, E1 वर्सेस E2, और किसी भी एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जब निकाला जाएगा. ये जो दो डायग्राम है इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना बच्चों. नेक्स्ट एमीटर एंड वोल्टमीटर. ओके, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये वाला डायग्राम, और कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये दो डायग्राम ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके रखना. नेक्स्ट मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो क्यूरी टेम्परेचर फॉर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन तीनों के लिए जाई वर्सेस टी जो ग्राफ है ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों. नेक्स्ट हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप का जो डायग्राम है वो ऑब्वियसली अच्छे से प्रैक्टिस करना इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म. नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाते हैं बच्चों. मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी एंड बी, मतलब स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर, उस टाइम पे जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और जब वी एंड बी दे आर नॉट परपेंडिकुलर, okay, they are making acute angle, उस time पे helical path होगा, okay. इसके बाद alternating current chapter में आ जाएंगे. Circuit diagram of only purely resistive circuit, purely inductive circuit, purely capacitive circuit. इसके साथ साथ LR, RC, LC and most important LCR, okay, इसका circuit. उसके साथ साथ इनका phasor diagrams, okay. और ये भी याद रखना है बच्चों, फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ओके? इसके बाद एक्सएल वर्सेस एफ ग्राफ. एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओके, और एक्सी वर्सेस एफ ग्राफ मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस एफ ग्राफ. उसके बाद इंपेडेंस ट्राइंगल का जो डायग्राम है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आई वर्सेस एफ ग्राफ इन केस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस एंड क्वालिटी फैक्टर, ओके, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट डायग्राम ऑफ सिंपल एसी जनरेटर विथ वर्किंग प्रिंसिपल एंड थ्योरी. तो सिंपल एसी जनरेटर का जो डायग्राम है वो ऑब्वियसली अच्छे से ड्रॉ करके रखना, प्रैक्टिस कर लेना. ग्राफ फॉर एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी के लिए वोल्टेज वर्सेस टाइम एंड करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ जाते हैं. डायग्राम्स ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में प्लेन एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओके, और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ये तीनों ही प्रैक्टिस करके रखना. इसके साथ साथ और भी दो डायग्राम मैं अलग से बता देता हूं, दैट इज प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्नेल्स लॉ. ये दोनों का जो प्रूफ है यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, उसका डायग्राम भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि इसका डेरिवेशन आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है. एम आई क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन, ओके. तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन दोनों के लिए जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये ऑलरेडी PYQs में भी मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स में जो स्फेरिकल मिरर का सारा जो डायग्राम है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजिशन के लिए, वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके रखना है. बेंडिंग ऑफ लाइट वेल ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और वाइस वर्सा, ओके, और ग्लास स्लैब, और उसके साथ साथ रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ, ओके बच्चों, ये जो डायग्राम है. इसके बाद प्रिज्म का जो रिफ्लेक्शन का डायग्राम है, ओके, ये, और ऑप्टिकल फाइबर में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके जब
जो लाइट है वो एक तरफ से अंदर जाता है, दूसरी तरफ बाहर निकलता है। ओके, ये जो डायग्राम ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ग्राफ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कह दिया, आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस, तो लेंस के लिए जितने सारे अलग अलग पोजीशन के लिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो भी डायग्राम्स होते हैं वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके रखना है बच्चों। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ये श्योर शॉट एक तो आएगा ही, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टाइप विथ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ओके, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी याद रखना है, और जो डायग्राम, अब देखो डायग्राम दो डायग्राम होगा, एक इमेज इज फॉर्मिंग एट डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन, और दूसरा इमेज इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी। ओके, नॉर्मल पोजिशन जो बोला जाता है। ओके, ये दोनों ही डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो चैप्टर है यहां से डायग्राम मस्ट आएगा ही आएगा। ओके, पहला आईवी ग्राफ। ओके, जो आईवी ग्राफ है ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस करके रखना अच्छे से। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, जब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ से तुम्हें प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच निकालने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन दोनों का डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो लास्ट कल ही मैंने जो पीवाईक्यू सीरीज में एटम्स एंड न्यूक्लियाई का पीवाईक्यू में जब करा रहा था, वहां पर ऐसा क्वेश्चन, डायग्राम वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, वो मैंने दिखाया है, वो भी देख लेना एक बार बच्चों। इसके साथ साथ मास एनर्जी इक्विवेलेंस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन का जो डायग्राम है विद फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ओके, कल एटम्स एंड न्यूक्लियाई में ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। अब आ जाएंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का पहला जो डायग्राम ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना है, दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम जहां पर तुम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड ये सब दिखाओगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप। ओके, इसके बाद जंक्शन डायोड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन फॉर्म होने के बाद जंक्शन डायोड का जो डायग्राम होता है वो वाला डायग्राम, और फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस विथ इफेक्ट ऑन डिप्लेशन रीजन, मतलब फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन छोटा हो जाता है, रिवर्स बायस में वो बड़ा हो जाता है। ओके, ये एकदम प्रॉपरली दिखा के जो डायग्राम है। ओके, इसके साथ साथ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, मतलब जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है उस टाइम पे आईवी ग्राफ, और जब रिवर्स बायस में होता है उस टाइम पे आईवी ग्राफ। ओके, ये दोनों ही अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। नेक्स्ट, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बता देता हूं बच्चों, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, और हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम अलोंग विद दैट इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ओके, इसके साथ साथ डायग्राम ऑफ फोटोडायोड एंड एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो डायग्राम है ये भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है बच्चों। तो ऑलमोस्ट ये था डायग्राम्स एंड ग्राफ का लिस्ट। ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों ने सारे लिस्ट लिख लिया है अच्छे से। तो पढ़ते रहो, आज और भी दूसरा वीडियोस आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल। उसके साथ साथ पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।